हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है फाइलम पॉलीफेरा। तो जैसे सबको पता है कि फाइलम पॉलीफेरा जो है इज इंक्लूडेड अंडर किंगडम एनिमेलिया। अगर हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो किंगडम एनिमेलिया के अंडर में ये फाइलम इंक्लूडेड है, दैट इज फाइलम पॉलीफेरा, पहला फाइलम। पॉलीफेरा जो है दे आर जनरली पॉलीफेरा नाम से पता चलता है कि दे आर पोर बेयरिंग एनिमल। Animals that are included under this phylum consist of numerous pores on their body surface, and that pores are known as ostia. Those pores ko hum kya kehte hain? So they are termed as ostia. Porifera are commonly they are termed as sponges. Agar hum porifera term use nahi karte, to sponges bolne se bhi we will understand that we are referring to porifera. So study of porifera or study of sponges, jise hum kehte hain, is termed as parazoology. किसी भी एनिमल को अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि वो कौन से फाइलम में जाएगा, वेदर इट इज फाइलम पॉलीफेरा या सिलेटेरेटा या टिनोपोडा, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि डिसाइड करते हैं कि हम कौन से एनिमल को किस फाइलम में प्लेस करते हैं। तो जैसे कि फाइलम पॉलीफेरा है, तो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस फाइलम इज दे आर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि उनके बॉडी के अंदर में टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ है। सेलुलर लेवल सेल्स जस्ट दे आर एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ बॉडी स्ट्रक्चर। अगर डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में हम लोग बोलेंगे तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स देयर बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। जब उन लोग का जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ ड्यूरिंग द गैस्टुलेशन टाइम, उन लोग का जो बॉडी लेयर है इट इज मेड अप ऑफ टू जर्म लेयर्स, एंड दैट इज बॉडी वॉल के बारे में वी विल डिस्कस लिटिल लेटर। उसके बाद में नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, सो नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट इन देम। सिमेट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दे आर असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल से मतलब है कि उनके बॉडी को अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे इंटू टू इक्वल हाफ्स, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर दे आर असिमेट्रिकल। अगर हम लोग सेगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे तो सेगमेंटेशन ये फाइलम में नहीं देखा जाता है। सेगमेंटेशन इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन देम। सिलम के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बॉडी सिलम इज ऑल्सो एब्सेंट, देयर आर असिलमेट्स, सिलम नहीं लोग में नहीं प्रेजेंट है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि हम उससे कि क्लासीफाई करेंगे कि वो कौन से फाइलम में एनिमल जाएगा। तो दे आर वेरी प्रिमिटिव फॉर्म, तो उन लोग में ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नोटोकॉर्ड नहीं है बिकॉज दे आर इनवर्टिब्रेट्स, और सिमेट्री इज असिमेट्रिकल, सेगमेंटेशन इज एब्सेंट इन देम, सिलम इज नॉट प्रेजेंट, दे आर असिलमेट एनिमल्स, एंड दे आर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उन लोगों में टिश्यू फॉर्मेशन भी नहीं हुआ रहता है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल इन लोग में पाया जाता है। तो अगर हम लोग अभी बॉडी फॉर्म के बारे में बात करें, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो हम लोग अभी मैंने कहा कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक, तो उसका मतलब क्या है? उन लोगों का जो बॉडी वॉल है इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, ठीक है। बाहर का जो लेयर है दैट इज कॉल्ड पिनाकोडा, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द क्वानोडम। पिनाकोडम इज द आउटर मोस्ट लेयर, बाहर बॉडी के बाहर सरफेस, इट इज द पिनाकोडम। पिनाकोडर्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, वेरियस सेल्स प्रेजेंट है क्योंकि दे आर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द पिनाकोडर्म आर द पिनाकोसाइट सेल्स, एंड द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द क्वानोडर्म आर कॉल्ड क्वानोसाइट सेल्स, ठीक है। ये है पिनाकोडर्म, ये है क्वानोडर्म। तो क्वानोडर्म में जो सेल्स प्रेजेंट है हम लोग उसे बोलेंगे क्वानोसाइट सेल्स, पिनाकोडर्म में जो सेल्स प्रेजेंट है हम बोलेंगे दे आर पिनाकोसाइट सेल्स। लेकिन सब दोनों का फंक्शन अलग है। जैसे कि पिनाकोसाइट्स सेल्स जो है, द फंक्शन ऑफ दिस सेल्स आर दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स,
बॉडी का सरफेस एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करने में हेल्प करता है. एंड गुआनोसाइट सेल्स जो है दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिला विच इज नोन एज गुआनोफ्लैजिलेट्स. ठीक है, तो गुआनोफ्लैजिलेट्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ फाइलम पॉलीफेरा में ही प्रेजेंट होता है. मेटाजोआ, दे आर मेटाजोआ, दे आर द ओनली मेटाजोआ वेयर गुआनोफ्लैजिलेट्स आर फाउंड. सो ये दो बॉडी लेयर है, पिनाकोडर्म और गुआनोडर्म के बीच का जो लेयर है, इसके जो बीच का लेयर है दैट इज कॉल्ड मेसेनकाइम. द लेयर बिटवीन द पिनाकोडर्म एंड द गुआनोडर्म इज कॉल्ड मेसेनकाइम. मेसेनकाइम एक जेली लाइक लेयर है, नॉन सेलुलर लेयर है, सेल प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड मेसेनकाइम. उनके बॉडी कैविटी, उनका जो बॉडी कैविटी है उसको हम लोग स्पॉन्जोसेल भी कहते हैं, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पारा गैस्ट्रिक कैविटी और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्रम. ठीक है, तो ये रहा बॉडी वॉल के बारे में. आउटर लेयर इज कॉल्ड पिनाकोडर्म, इनर लेयर इज कॉल्ड पिनाको सॉरी गुआनोसाइट्स एंड गुआनोडर्म जिसमें सेल्स प्रेजेंट है गुआनोसाइट्स. बाहर में पिनाकोडर्म में जो सेल्स है दे आर कॉल्ड पिनाकोसाइट्स. दोनों के बीच में जो लेयर है पिनाकोडर्म गुआनोडर्म के बीच में जो लेयर दैट इज कॉल्ड मेसेनकाइम और दे आर कॉल्ड मेसेनकाइम इज प्रेजेंट. तो ये रहा उसके बॉडी वॉल के बारे में. अब आता है पॉलीफेरा का जो बॉडी सिस्टम है. बॉडी सिस्टम जो है इट इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन देम. कम्प्लीटली एब्सेंट द बॉडी सिस्टम के